ayun ni Raya ako kung dira ako ngayon kiyo sir. Yes sir, utang na kiyo sir. Ako nga lang sir, marami na po sa report. Dariwa na sir, hello? Oo. Tanan mo. Kuchin ay usam ni Chayam ko. हम लोग गरीब हैं सर हम लोग आपको जो ये देखिए कहे ना कि आपके नाम पता लिखाओगे नाम पता लिखा देख रहे हैं कि बेसन और मैदा ये एक साथ मिला हुआ है। देखिए सर इसमें जो लड्डू बनाते हैं हम सर तो उसमें मैदा का थोड़ा मात्रा रहता है सर लाइटिंग के लिए सर ऐसे मैदा अगर थोड़ा नहीं मिलाएगा तो लड्डू बनवे नहीं करेगा सर। हम लोग तो घर में बनाते हैं सर। नहीं सर हम लोग जिस हिसाब से बनाते हैं सर उसको अच्छी क्वालिटी और अच्छी टिकाव के लिए करते हैं सर बाकी टिकाव के लिए मिला देते हैं थोड़ा सा उसको लाइफ पड़ने के लिए सर ऐसे मैदा उसका लाइटिंग और देखने में अच्छा नहीं लगता है सर इसको लाइटिंग के लिए मिलावट कर दिया। नहीं मिलावट नहीं हुआ सर उसको कोई भी मिठाई बनाता है तो हर एक मिठाई में मैदा का मात्रा रहता है थोड़ा बहुत सर सप्लाई कर दो कहाँ सेल कर दो बड़े सप्लाई कहीं नहीं करते सर हम लोग अपने से बेचते हैं सर कहीं किसी को हम दुकानदार नहीं सर ये अभी हम लोग दिवाली का हम लोग करते हैं सर बेचते हैं ठेला वाला लगाते हैं बाकी हम कहीं दुकानदार में नहीं दुकानदार किसको किसको देते हो खुलासा करो भाई। हम दुकानदार कहीं नहीं देते सर अपने से हम लोग बेचते हैं सर ये बेसन ढेला है ढेला सर बेसन कोई भी बेसन पिसवाइएगा तो एक जम जाएगा बड़े पैमाने पर ढेला पर कैसे बेचते हो। देखिए सर जी ये बेसन जो है ना सर बेस पे चना का बेसन पिसवाने पर वो पुतला बन जाएगा कैसे हो गया चना का बेसन सप्लाई हम कहीं नहीं करते हैं सर सप्लाई होता ही है सर चना का बेसन पीला होता है चना का बेसन सर पीला ना इसमें कलर कोई नहीं हम पिसवा सकते हैं सर चना का बेसन पीला होता है क्या चना कुछ नहीं मिला है सर हम लोग पीला कैसे हो गया जो भी है सर चना हम लोग कुछ नहीं मिला है सर तो पीला कैसे हुआ जो भी सर है उसका कलर है बेसन का कलर है सर वो चना का कलर हम लोग को गड़बड़ कहाँ सप्लाई देते हो सप्लाई हम लोग हम लोग अपने से बेचते हैं सर पीला काम करते हम लोग वही दो तीन आदमी है सर क्या नाम हुआ मेरा नाम मुकेश भाषा जितना आदमी यहाँ जितना माल है दो तीन आदमी कैसे खपा लोगे। देखिए सर ये अभी किए हैं अभी हो जाएगा नहीं जाएगा ये हम लोग सक्सेसफुल नहीं बात बोलता सकते सर, कितना माल है यहाँ पर कितना क्विंटल नहीं सर होगा छह सात आठ क्विंटल दस बारह क्विंटल लगभग बनेगा इस मिठाई। अच्छा अच्छा बीस क्विंटल मिठाई चले मटर का बेसन भी कहाँ का मालूम कनाडा वाला मटर नहीं है मेरा तो नहीं आ रहा है तो चार सैंपल इधर इधर लिखला दिखाई नहीं लिखला दिखाई और क्या मिलाते हैं जैसे सर ये लेमन एल हो गया सर और इसी में आता है कि केसर आता है सर इसी का नाम से सर और क्या क्या मिलाया गया उसमें बस और कुछ नहीं सर इसी कंपनी का सुर्ख कलर का हो गया है उसमें और क्या मिला है तो केसर डालते हैं सर ये पीला हो गया सर और केसर हो गया वो तो सिंदूर वगैरह पीपा टाइप का लग रहा है जो तुम्हारे पास केसर केसर वाला लड्डू 120 रुपए बेचते हैं दीजिएगा क्या क्या उस डिब्बा में कौन सा तरह जो कार्रवाई हुई अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा हुआ है भूखी लग रही है ऊपर में झोल लगा हुआ है छत में खुला हुआ है जिसके चलते ये आगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है इसीलिए और मिलावट की दृष्टि से बेसन का और लड्डू का लिया गया है नमूना। क्या तैयारी चल रही है पर्व के मौसम में ज्यादातर ऐसी मिठाइयां बाजार में आने की शिकायत है और आप विभाग की तरफ से क्या चल रही है ये इसी को देखते हुए क्योंकि जो भी ये पर्व होता है उसमें इसका ट्रांजेक्शन बढ़ और ट्रांजेक्शन बढ़ने के कारण इसका ये खपत होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी पूर्ति के लिए जैसे तैसे क्वालिटी मेंटेन करे या ना करे वो सप्लाई करता है।
इसको देखते हुए ये छापामारी आज कहाँ पे चल रही है सर? छापामारी ये छापामारी तो अभी यहाँ से आज शुरू किए हैं महाराजी पोखर से, और देखते हैं आगे लगातार चलेगी क्या दिवाली, लगातार दिवाली तक इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ये एक्शन है कि इनको नोटिस दिया गया है, ये ले लें लाइसेंस ले लें, और वो गुणवत्ता के जांच के लिए इसको लेकर के भेजा गया है, और वो आने के बाद गुणवत्ता में यदि कमी पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की प्रक्रिया? कार्रवाई होगी, दो तरह की कार्रवाई है, एक है जिसमें कि केवल फाइन है, अगर सब स्टैंडर्ड आता है तो उसमें फाइन होगा केवल, और यदि उसमें जैसे कलर है ये अनसेफ में आता है तो इसमें सजा भी है और फाइन भी है।